नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इटोडी टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, इटोडी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और इटोडी टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि इटोडी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इटोडी एक ब्रांड नेम है। इटोडी टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन इटोरिकोक्सिब होता है। इटोडी टैबलेट 60 mg, 90 mg व 120 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इटोडी टैबलेट का उपयोग शरीर में दर्द होने पर और सूजन को कम करने के लिए इटोडी टैबलेट का उपयोग किया जाता है। यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वजह से सूजन आ गई है तो इटोडी टैबलेट दर्द के साथ साथ सूजन को भी कम करती है। इटोडी टैबलेट का उपयोग शरीर की मांसपेशियों में दर्द होने पर, शरीर की हड्डियों व शरीर के जोड़ों में दर्द होने पर, सिर दर्द होने पर, दांतों में दर्द होने पर, कमर के दर्द, कान के दर्द और गले के दर्द आदि कंडीशंस में इटोडी टैबलेट का उपयोग किया जाता है। रूमेटोइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस होने पर भी जोड़ों में दर्द और सूजन को कम करने के लिए भी इटोडी टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान भी दर्द से राहत पाने के लिए इटोडी टैबलेट का उपयोग किया जाता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में इटोडी टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में इटोडी टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बदहजमी होना, पेट में दर्द होना, पेट में जलन होना, कब्ज होना, उल्टी आने का मन होना, त्वचा पर खुजली होना, त्वचा पर रैशेस होना, भूख कम होना, दस्त होना, नींद अधिक आना, सिर चकराना और लिवर एंजाइम बढ़ सकते हैं। ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा डोज में इटोडी टैबलेट को लेने से किडनी व लिवर डैमेज हो सकते हैं और शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक यानी लगातार कई महीनों या कई सालों तक इटोडी टैबलेट का सेवन करने की वजह से पेट में ब्लीडिंग होने का, दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि इटोडी टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। इटोडी टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर इटोडी 60 mg टैबलेट को दिन में एक बार ही लेने की सलाह देते हैं। बीमारी की गंभीरता ज्यादा होने पर डॉक्टर डोज को बढ़ाकर इटोडी 90 mg टैबलेट या इटोडी 120 mg टैबलेट को भी दिन में एक बार लेने की सलाह दे सकते हैं। कुछ व्यक्तियों को डॉक्टर केवल दर्द होने पर ही इटोडी टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। इटोडी टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको इटोडी टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि इटोडी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इटोडी टैबलेट को देना रिकमेंडेड नहीं होता है। पेट में अल्सर होने पर, पेट या आंतों में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, किडनी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर इटोडी टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना इटोडी टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। इटोडी टैबलेट के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इटोडी टैबलेट के साथ शराब का सेवन करने की वजह से पेट में ब्लीडिंग होने का जोखिम अधिक हो जाता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए इटोडी टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित व रिकमेंडेड नहीं है। इटोडी टैबलेट मां के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है और स्तनपान करा रही महिलाओं में इटोडी टैबलेट मां के दूध के जरिए बच्चे तक पहुंच सकती है और दूध पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को इटोडी टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका इटोडी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।